बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। आज एनडीए की बैठक हुई, बैठक में सरकार गठन को लेकर विचार के साथ ही कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की गई। बैठक में एनडीए के बड़े नेता शामिल हुए। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा भी सौंप दिया है। 15 नवंबर के बाद सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने कैबिनेट को भंग कर दिया। नई कैबिनेट के गठन तक नीतीश कुमार कार्यवाहक सीएम के पद पर बने रहेंगे। वहीं इस बैठक में उप मुख्यमंत्री के लिए सुशील मोदी का ही नाम तय हुआ। वहीं पहले की तरह विधानसभा अध्यक्ष भी जदयू से ही तय किया गया है। जदयू इस बात पर अड़ा था कि उसे विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए। अब यह तय हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और विधानसभा अध्यक्ष जदयू से होंगे। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है, हाथ मत पकड़ो भाई, ये मोबाइल लाके हटा भाई, मोबाइल मेरा नहीं भाई, ये हटवानो। ये चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया मोबाइल के कारण, इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक कैबिनेट की, और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन और जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की, वो बैठक होगी 15 तारीख को 12:30 बजे तक।